की बात की जाए तो आज हम प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं चैनपुर, और यहाँ पे जितने इंटरमीडिएट के बच्चे टॉप किए हैं उनको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। उनसे बातें करेंगे कि कोरोना काल रहते हुए भी इतने कम समय में कैसे तैयारी कर लिए, जो 400 से ऊपर नंबर लाए हैं और पूरे तरैया प्रखंड के नाम रोशन किए हैं। और मेरे साथ एक बच्ची है, उनसे बातें करेंगे। ऊपर नंबर लाई है, क्या नाम है बाबू? स्वर्णलेखा शर्मा। ठीक है, इतना ऐसा नंबर कैसे आ गया? मैंने ऐसा चोरी वोरी तो नहीं की है? ऐसा कुछ नहीं है सर, चोरी से क्या होता है, चोरी से सिर्फ अपना कागज़ बना सकते हैं, और असली ज्ञान तो सर पढ़ने से ही आएगा। सर ये जो हम लोग इतना नंबर लाए हुए हैं इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सर सर को जाता है। और हम लोग ऐसे गाँव से आते थे जहाँ मतलब वहाँ कोई इस तरह का कोई भी कोचिंग नहीं था, जैसे जो बोर्ड लेवल तक अच्छा ढंग से पढ़ाई हो, जिसमें मतलब बोर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ाई हो सके, वो सब वैसे ही पढ़ाते थे। और हम लोग सर 8 किलोमीटर से साइकिल से आते हैं और सरो सर के नाम पर ही आते हैं। और मतलब इसका श्रेय कितना नंबर लाए है? 414। ये 414 नंबर लाई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और हम प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में ही है चैनपुर में, और यहाँ पे सब जितने टॉप किए हैं बच्चे सब हमारे साथ हैं। उनसे बातें चोरी से लाई की पढ़ कर लाई है? चोरी से नंबर पढ़ने से ही आता है, चोरी से नंबर कैसे आता है? चोरी से नहीं आता है। अब साथ में बैठी हैं यहाँ पे, अगर इनका अच्छा नंबर, लिखावट अच्छा है, जानकारी अच्छा है तो उसमें से कॉपी कर ले। चोरी को हम मानते ही नहीं है, हम केवल मेहनत अपना मानते हैं, अपना मेहनत सर का मेहनत। क्या नाम पड़ेगा? प्रिया कुमारी। कितना नंबर लाई है? 401। 401। सबसे पहले तो न्यूज फॉर विहार जो मेरा चैनल में तुमको स्वागत है, कि जो 400 से ऊपर नंबर लाई है, तो ये कैसे नंबर लाई? चोरी नहीं ना किए थे? ना, पढ़ कर। तो जोर से बोलो। पढ़ कर लाए हैं। पढ़ कर लाई है। कितना देर पढ़ते थे? ज़्यादा नहीं, 7 घंटा। 7 घंटा? 7 घंटा में क्या पढ़ते थे? देखो गिर जाओगे। 7 घंटा मेरा रूटीन था कि 1 घंटा मैथ पढ़ना है और बाकी सब 6 विषय में 1-1 घंटा पढ़ना है। इस कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ यस सर, अच्छा। ये कोचिंग का देन है कि तुम्हारा देन है? कितना अच्छा नंबर है? ये कोचिंग का देन भाई, अब मेरा भी देन है। बहुत अच्छा, बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा कि एक कोचिंग और सर का देन है, कितना अच्छा नंबर लाए। और हमारे बीच प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं सरो सर, उनसे बात करेंगे कि इतना अच्छा नंबर कैसे ला पाए लोग। का कोरोना काल भी था जिसमें लॉकडाउन था, कोचिंग संस्था सब बंद था, उसके बाद भी इतना अच्छा नंबर लाए, ये कैसे लाए? और सर से बातें करेंगे कि ये क्या ज्ञान दिए जो 400 खाली दिख रहा। अपने कैमरा मैन से कहेंगे एक बार ग्राउंड घुमा कर दिखाएं, जितने बच्चियाँ बैठी हैं उनको दिखाएं। ये 400 से ऊपर नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं और 350 से ऊपर वाले भी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के और हमारे साथ सर हैं, इनसे बातें करेंगे। सर सबसे पहले तो न्यूज फॉर वीआर में आपका स्वागत है। ओके सर, थैंक यू आपको। और ये लॉकडाउन था, कोरोना काल था, कोचिंग संस्था बंद था, फिर भी इतना अच्छा नंबर कैसे ला पाया सर बच्चे? हमने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था किया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हमने प्रदान किया। ऑनलाइन भी हम पढ़ाते थे यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को, और प्लस मैंने नोट्स का व्यवस्था किया, प्रत्येक विषय का बेहतर नोट्स हमने बच्चों को दिया ताकि घर पे वो जाएं और अच्छा से स्टडी करें। और सभी बच्चों के लिए मैंने एक खास रूटीन बनाया था कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, और बच्चे उस रूटीन को फॉलो किए और बहुत ही बढ़िया कर पाए। जिस दिन रिजल्ट आया था ना, जब मैंने डायरी निकाला और रिजल्ट देखना शुरू किया, तो ऊपर से जब भी रिजल्ट देखते थे सबका 400 नंबर, हमें गजब रिजल्ट आया, काफ़ी खुशी हुआ। इसका सारे रिजल्ट देखना छोड़ दिए, क्योंकि हम समझ गए कि सबको 400 ही आया होगा। इसका जो भी बच्चे फ़ोन कर रहे थे ना, ऊपर सर मेरा फर्स्ट है, 400 नंबर है, उन्होंने कहा क्या गजब का रिजल्ट आया है। ऐसा तो नहीं था कि बोर्ड से लिंक थे आप? ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं लिंक की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया और जिस तरीका से हम पढ़ाते हैं, अगर बच्चे उसको फॉलो करें तो शायद कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बेटर तरीका से चैप्टर बाई चैप्टर करके हम लोग पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती है, काफ़ी बढ़िया से मेहनत करते हैं। मैडम से भी बातें करें। मैडम सबसे पहले तो न्यूज फॉर बिहार में आपका स्वागत है। जी बोलिए। और आपने क्या पढ़ाया बच्चों को कि जो 400 से ऊपर है सर? देखिए, पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा गाइडेंस टीचर करते हैं, वो तो स्टूडेंट लोग का उतना मेहनत होता है कि मतलब वो लोग इतना नंबर ला पाते हैं। तो आपने क्या गाइड किया था बच्चों को? बच्चों को बताया गया कि आप पढ़िएगा, अभी आपके पढ़ने की उम्र है,
और कहीं ध्यान लगाइएगा तो आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। अभी पढ़िए, अभी पढ़ने का उम्र है, क्योंकि पढ़ने का उम्र तो हमेशा नहीं रहता है। सही बात है ना, ऐसे कहने के लिए तो सब कोई कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, बायोलॉजी है। हिंदी और बायोलॉजी। आप टॉप किए थे, कितना नंबर था? हिंदी में कितना है आपका? 80 है। और बहुत अच्छा, यहाँ पे आपके सामने 90 कितना? 90 बायोलॉजी। आपने देखा कि मैडम का पढ़ाया हुआ बच्चा यहाँ पे है जो एक 80 और एक विषय में 90 है, तो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं। और मैडम जो सलाह देती हैं वो बच्चे मानते भी थे, और उसी की बदौलत है कि आज इतना अच्छा नंबर आया। अब देखते रहिए, छोड़ बिहार, और मैं हूँ चंदन कुमार चंद।